आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बालूमाथ प्रखंड स्थित बसिया ग्राम के एक कपड़ा दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा अल्बेस्टर तोड़कर दुकान का सामान चोरी कर लिया। घटना के बारे में दुकानदार मोहम्मद निजाम अंसारी ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर शनिवार देर शाम अपने घर चला गया था। अगले दिन रविवार सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि अल्बेस्टर टूटा हुआ है और दुकान से कई सामान गायब है। दुकानदार के अनुसार करीब 60 से 70 हजार रुपए के कपड़े पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना बालूमाथ पुलिस को दे दी गई है। वहीं दुकानदार ने 15 दिनों पूर्व कर्मा पूजा के अवसर पर अपनी दुकान की ओपनिंग की थी। काम किए थे कर्मा उसके समय से, उसने रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलते थे, यहाँ सोते भी थे, रात में सोते थे। कल क्या घटना हुई? कल घटना हुई जब हम 7 बजे बंद किए दुकान, उसके बाद ये खाना खा के आते थे, फिर 8-9 बजे आते थे, फिर यहीं सोते थे। कल हम नहीं आने सके किसी कारणवश, तो फिर सांप निकल गया था, उसके कारण से हम नहीं सोने आए। वही सुबह के देखे तो सुबह तोड़ा हुआ था, करकट तोड़ा हुआ था, और लगभग 70-80 हजार का लगभग सामान चोरी हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद निजाम सर।